बाबा विश्वनाथ मंदिर के दर्शन करने जा रहे लोगों के लिए पांच अहम बातें। नमस्कार दर्शकों, आज हम आपको बाबा विश्वनाथ मंदिर से जुड़ी कुछ अहम जानकारियां साझा करने वाले हैं। हर वर्ष लाखों लोग बाबा विश्वनाथ मंदिर के दर्शन करने जाते हैं ताकि वे भोले बाबा को प्रसन्न कर सकें। पर वहां जाने वाले लोग बहुत सारी ऐसी बातों से अनजान हैं जिसकी वजह से उनके दर्शन अधूरे रह जाते हैं या उनमें इतनी उत्सुकता नहीं रहती है। क्या आप भी तो उन्हीं लोगों में शामिल नहीं? तो चलिए जानते हैं बाबा विश्वनाथ के सफल दर्शन करने के लिए आपको किन बातों को जानना जरूरी है। भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक काशी विश्वनाथ का मंदिर, जो वाराणसी में गंगा नदी के पश्चिमी तट पर स्थित है, कई मायनों में खास है क्योंकि इसके नाम में ही इसकी सबसे बड़ी खासियत छिपी हुई है। विश्वनाथ यानी पूरे विश्व पर राज करने वाला शासक। ये नगरी भगवान शिव के त्रिशूल पर बसी हुई है। काशी विश्वनाथ की महिमा का वर्णन स्कंद पुराण के काशी खंड सहित कई पुराणों में किया गया है। अगर आप बाबा विश्वनाथ के दर्शन करने जा रहे हैं तो इन पांच बातों को अवश्य जान लें ताकि आपकी यात्रा का पुण्य आपको मिल पाए। इन पांच बातों में सबसे महत्वपूर्ण बात है अपने मन को पवित्र करना। यानी जब भी आप यहाँ दर्शन के लिए जाएं, तो किसी के प्रति मन में द्वेष, घृणा या प्रतिशोध की भावना लेकर ना जाएं, नहीं तो आपके दर्शन सफल नहीं हो सकेंगे। कहते हैं जो भी सच्चे मन से यहाँ दर्शन के लिए आता है उसे मोक्ष की प्राप्ति जरूर होती है। इस मंदिर में जाने से पहले ये जान लें कि इस मंदिर में चार प्रमुख द्वार हैं, शांति द्वार, कला द्वार, प्रतिष्ठा द्वार और निवृत्ति द्वार, जिनका अध्यात्म और तंत्र की दुनिया में बहुत अधिक महत्व है। पूरी दुनिया में ऐसा स्थान कहीं नहीं है जहां पर शिव शक्ति एक साथ विराजमान हो। दक्षिण के द्वार को अघोर मुख कहा जाता है। कहते हैं कि इसी द्वार से भगवान शिव प्रवेश करते हैं। माँ अन्नपूर्णा से भगवान शिव ने वरदान लिया था कि काशी से कोई भी भूखा नहीं जाएगा। साथ ही इस मंदिर में लोगों को मृत्यु के बाद तारक मंत्र देकर पुनर्जन्म से मुक्त कराया जाता है। मंदिर परिसर में यदि हाथों से जल की एक भी बूंद गिर जाए तो उससे काशी विश्वनाथ बाबा बहुत प्रसन्न होते हैं। इस मंदिर से जुड़ी तीसरी जरूरी बात है इसके शीर्ष पर बना स्वर्ण गुम्बद। क्योंकि शीर्ष पर बने इस स्वर्णिम चबूतरे को देखने के बाद अगर आप सच्चे मन से कोई कामना करते हैं तो बाबा अवश्य ही पूरी करते हैं। चौथी अहम बात है कि यहाँ बाबा के दर्शन करने से व्यक्ति को हर क्षेत्र, खास करके राजनीति, दर्शन, साहित्य, कला आदि में सफलता अवश्य ही प्राप्त होती है। आप इतिहास के पन्नों को उठाकर देख लीजिए, अधिकतर बड़े बड़े दिग्गज बाबा विश्वनाथ की नगरी काशी यानी वाराणसी से संबंध रखते हैं। काशी में प्राचीन काल से समय समय पर अनेक महान विभूतियों का वास होता रहा है। इनमें महर्षि अगस्त्य, गौतम बुद्ध, संत कबीर, रानी लक्ष्मीबाई, पार्श्वनाथ, पतंजलि, संत रैदास, स्वामी रामानंदाचार्य, वल्लभाचार्य, शंकराचार्य, गोस्वामी तुलसीदास, महर्षि वेदव्यास शामिल हैं। जबकि भारत के कई दार्शनिक, कवि, लेखक, संगीतज्ञ वाराणसी में रहे हैं, जिनमें कबीर, वल्लभाचार्य, रविदास, स्वामी रामानंद, शिवानंद गोस्वामी, मुंशी प्रेमचंद, जयशंकर प्रसाद, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, पंडित रविशंकर, गिरिजा देवी, पंडित हरिप्रसाद चौरसिया एवं उस्ताद बिस्मिल्ला खां आदि कुछ प्रमुख हैं। गोस्वामी तुलसीदास ने हिंदू धर्म का परम पूज्य ग्रंथ रामचरितमानस यही लिखा था और गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम प्रवचन बनारस के ही पास सारनाथ में दिया था। पांचवी सबसे अहम बात यह है कि काशी में जाने वाले हर तीर्थ यात्रियों को यहाँ के घाट पर स्नान अवश्य करना चाहिए, क्योंकि काशी में ही व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है और वो भगवान शिव की कृपा से जन्म और मृत्यु के चक्र से ही मुक्ति पा सकता है। कैसी लगी आपको हमारी ये जानकारी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आप देख रहे हैं प्रभु भक्ति।